अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाब अहमद मीर। आज हम जो है चैप्टर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये एक मैट्रिक्स दी गई है और पूछा गया है कि आप इनको हल करें m12 m22 m21 a12 22 और a21। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये m क्या है और ये a क्या है। तो m वाले जितने भी है इनको हम कहते हैं माइनस। इनको हम क्या कहते हैं? माइनस। क्या कहते हैं? माइनस। और माइनस हम किस तरह मालूम करते हैं कि आप ऐसा समझे कि ये जो m है 1 और 2 तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूं कि m i और j, i का मतलब है रो, i का मतलब क्या है? रो। और j का मतलब क्या है? कॉलम। और j का मतलब क्या है? कॉलम। इसका मतलब ये है कि आप इस मैट्रिक्स को हल करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली वाली जो हम निकालेंगे पहली रो और दूसरा कॉलम इस हिसाब से। यानी इस मैट्रिक्स को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो कैसे? पहली रो दूसरा कॉलम, यहां दूसरा कॉलम और दूसरी रो, आगे यहां दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला। तो ये हमारे पास क्या आ गए? ये हमारे पास आ गए माइनस। ठीक है, जिस तरह हमने डिटरमिनेंट्स मालूम किए थे पिछले सवाल में पहले में, इसी तरह हम यहाँ पर भी एक्सपेंड करेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस। वहां तो हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था डिटरमिनेंट को या फर्स्ट कॉलम से, यहाँ जो वैल्यू इसने दी है उस हिसाब से एक्सपेंड करेंगे। और ये जो नीचे तीनों वैल्यू है इनको हम कहेंगे कोफैक्टर। इनको हम क्या कहेंगे? कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर है ये भी यहां से लेकर यहां तक 9 कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं, लेकिन इनको हम किस तरह निकालेंगे? सेम कांसेप्ट, a i j, और यहां पर हम लिखेंगे -1 i + j। यानी जो वैल्यू यहां होगी, i का मतलब है रो, j का मतलब है कॉलम, जो वैल्यू यहां होगी उनको हम ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसी रकम को m i j के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमें क्या मिल जाएगा? कोफैक्टर। तो यानी इस सवाल में हमें माइनर भी मालूम करने हैं और कोफैक्टर भी मालूम करने हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे बहुत ही आसान, लेकिन इससे पहले हम जरा इसको और आसान कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर माइनस है m12 और यहाँ पर क्या है? 1 2। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों अगर हम इनको एक साथ मिलाकर करें तो हमारा जो टाइम बचेगा। यहाँ देखें ये है 2 2 और ये भी 2 2, तो इसका मतलब है कि इसको और इसको साथ में हम करेंगे। ये जो है m21 और ये है a21, तो इसको और इसको हम साथ में करेंगे। तो आइए जरा करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो करते हैं m12। क्या करते हैं? m12 यानी m12 के लिए m12। जब m12 की हमने बात की तो यहाँ जरा देखें, जब हम m12 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि रो वन खत्म और कॉलम 2 खत्म। जब ये चीजें खत्म हो गई तो बाकी क्या बचा? 1 1 1 2। क्या बचा? 1 1 और 1 2। 1 1 और 1 2, तो यहां हम जो है वो लिखेंगे क्या? 1 1 और 1 2, 1 1 और 1 2। अब जब इस चीज को हम करेंगे तो अकॉर्डिंग वही जो डिटरमिनेंट्स का रूल है स्क्वायर में कि हमने क्या किया था? ac - bd। ये तरीका है, ये फार्मूला है हमारे पास। यहाँ a जो है ये क्या है? 1, तो 1 को जरब करेंगे 2 के साथ माइनस bd, तो 1 को किसके साथ जरब करेंगे? 1 के साथ। तो 1 को 2 के साथ किया तो 2, 2 में से अगर 1 चला गया तो 1। इसका मतलब है कि m12 क्या आया? 1। m12 क्या आया? 1। अब हम इसी चीज को आगे हम मालूम करेंगे कोफैक्टर्स में। किस में मालूम करेंगे? कोफैक्टर्स में। तो कोफैक्टर्स क्या है? कोफैक्टर्स है a12। जब यहाँ पर a12 है तो हम -1 और यहाँ पर भी 1 + 2, क्या करेंगे? 1 + 2, जो वैल्यू यहाँ पर के बने, जैसे यहाँ देखें 1 और 2 है तो ऊपर भी 1 + 2 ही लिखेंगे, 1 + 2, और साथ में यहाँ पर m12 लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? m12। यानी कोफैक्टर मालूम करने का तरीका क्या है? जो चीज मिली हुई है a12, क्या मिला हुआ है? a12, तो वहां पर -1 -1 के ऊपर जो ये हमारे पास रो और कॉलम में ऐड हो जाएगी, प्लस में हम मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस जो है m12 वो इसके साथ जरब करेंगे। तो
तो आप देखें कि माइनस वन है और वन प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन और पावर थ्री। एम वन टू हमने ऊपर मालूम किया है क्या है वन, वो क्या है वन। तो अगर अंदर जो रकम हो माइनस हो और ऊपर उसके पावर हो आठ, माइनस रकम हो और पावर हो आठ, तो उसका हमेशा जवाब क्या आएगा माइनस में। तो माइनस वन जरा माइनस वन और माइनस वन जरा प्लस वन, तो हमारा पास जवाब क्या आएगा माइनस वन। तो ए वन टू हमारे पास क्या आया माइनस वन, ए वन टू हमारे पास क्या आया माइनस वन। तो बहुत ही आसान है, हमने सिर्फ क्या किया कि जो रकम हमें गिवन है ए वन टू, वो माइनस वन के ऊपर पावर में एड करेंगे और साथ में उसी का माइनस जो यहाँ पे गिवन है वन टू, उसी का माइनस एम वन टू हम जो है लिख कर उसके साथ जरब कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले दो हो गए, यानी कौन कौन सा हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम करेंगे एम टू टू और एम ए टू टू, ठीक है। तो आइए जरा इसको कर दें, ठीक है, एम टू टू और ए टू टू। इसका मतलब ये है कि अब जो है हमारे पास जो है रो कौन सी दूसरी, रो कौन सी दूसरी। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से हम इस चीज को मिटाएंगे, क्योंकि हमें रो दूसरी चाहिए। जब रो दूसरी चाहिए तो ये रो खत्म, दूसरी रो खत्म, ठीक हो गया। और ये जो है कॉलम है दूसरा, तो कॉलम भी दूसरा खत्म, कॉलम भी दूसरा खत्म, यानी रो दूसरी खत्म और रो और कॉलम भी दूसरा खत्म। तो अब हमारे पास जो चीज बची वो क्या बची, टू वन वन टू। तो अब अगर हम इसको सॉल्यूशन करें किसके लिए, एम टू टू के लिए, किसके लिए एम टू टू के लिए, तो हमारे पास चीज क्या बची, टू बचा यहाँ पर और नीचे वन, यहाँ पर वन और नीचे टू, ठीक है। तो अगेन वही फार्मूला हमने लिखा हुआ है पहले सवाल से, ए सी माइनस बी डी। तो ए हमारे पास क्या है टू, तो टू जरा टू माइनस सी हमारे पास वन, डी हमारे पास वन जरा वन। तो दो को दो के साथ जरा करेंगे तो चार, चार में से एक माइनस करेंगे तो एम टू टू जो है वो हमारे पास क्या आया थ्री। अब इसी को यानी एम टू टू को हम किससे मिलाएंगे, ए टू टू के साथ, किससे मिलाएंगे ए टू टू के साथ। ए टू टू का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए टू टू माइनस वन। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर वन टू था, यहाँ पर क्या था वन टू, तो हमने प्लस में भी लिखा वन प्लस टू, क्या लिखा वन प्लस टू, लेकिन यहाँ पर क्या है टू और टू, यहाँ पर क्या है टू और टू, तो प्लस में भी क्या लिखेंगे टू और टू, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एम टू टू, क्या मल्टीप्लाई करेंगे एम टू और टू। अब देखें माइनस वन ऊपर दो और दो कितने होंगे चार, एम टू टू, एम टू टू की वैल्यू क्या है थ्री। अब अगर रकम माइनस हो और पावर हो इवन, रकम माइनस हो पावर हो इवन, तो माइनस खत्म हो जाएगी प्लस में हो जाएगा और पावर जो है वन के ऊपर चाहे कितना भी हो तो वन होगा, तो वन जरा थ्री हम करेंगे तो हमारे पास ए टू टू की वैल्यू आएगी क्या थ्री, ए टू टू की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री। अगेन अब हमारा दूसरा हो गया, आप अगर कोई भी एक भी समझ गए, कोई भी एक अगर आप समझ गए तो आपको सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पहला किया M12 और दूसरा A12, फिर हमने M22 कर दिया, फिर हमने M22 और A22, ठीक है जी। अब हम जो है वो ये इनके आंसर है, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ये इसका आंसर, इसका आंसर ये, और यहाँ इसका आंसर ये, और इसका आंसर ये, ठीक है जी। अब हमारे पास आखिरी तीन बचे, ये दो बचे M21 और M21। यहाँ पर ही देखें कि रो जो है दूसरी है, रो कौन सी है दूसरी, तो रो तो वैसी की वैसी, लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम जो है वन में, कॉलम वन है, तो यहाँ पर हम दूसरे कॉलम को छोड़कर पहले कॉलम को खत्म करेंगे। अगर मैं पहले कॉलम को खत्म करूं तो ये होगा, यानी रो दूसरी खत्म और कॉलम कौन सा पहला का। तो हमारे पास अब कौन सी रकम बचेगी, वन माइनस वन, वन और टू, ठीक है जी, वन माइनस वन, वन और टू। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो तीसरा है यानी ये M21, तो M21 की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 1 माइनस 1 और 2। अगेन वही फार्मूला, A को C के साथ जरब करेंगे माइनस B को D के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास है माइनस, इसको हम क्या कहेंगे माइनस। तो देखें 1 को किसके साथ जरब करेंगे, 2 के साथ, ठीक है, बीच में माइनस फार्मूले वाली, वन को किसके साथ माइनस वन के साथ, वन को किसके साथ माइनस वन के साथ। तो वन जरा टू तो टू, माइनस और माइनस प्लस, वन जरा वन तो वन, तो वन और टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम टू वन हमारे पास क्या आया थ्री। तो इसका भी आंसर क्या आया थ्री।
अब ये तो था माइनस, ये हमारे पास क्या है माइनस, जब भी m की बात होगी तो उसको हम क्या कहेंगे माइनस। अब हम मालूम करेंगे कोफैक्टर कौन सा a21, कौन सा a21, तो लिखें a21। जैसे हमने कहा है कि जो a21 जब हमने लिखा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस वन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस वन, और यहाँ पर जो रो है टू और कॉलम है वन इनको एड कर देंगे, तो टू प्लस वन क्या लिखेंगे भाई टू प्लस वन, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे m21 के साथ, मल्टीप्लाई क्या करेंगे m21 के साथ, या जो वैल्यू यहां होगी उसी के साथ ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसी के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 के ऊपर पावर 3, और m21 हमने पहले ही मालूम किया हुआ है कितना है 3, तो 3 हमने लिख लिया। अब -1 और पावर 8 है, अगर किसी भी रकम के ऊपर पावर 8 हो माइनस के तो वो माइनस वैसी की वैसी रहेगी, तो माइनस वन जरा थ्री करेंगे तो ए टू वन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का थ्री, क्या आ जाएगा भाई माइनस का थ्री। तो यहाँ और कुछ भी नहीं है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या है कि ये जो है रो है ये कॉलम है, इनको छोड़कर इनको छोड़कर बाकी रकम को हम एक्सपेंड करेंगे। दूसरा कोफैक्टर का फार्मूला ये है कि वन टू जो भी होगा उसी को जरा भी हम उसी से करेंगे माइनस के साथ एम वन टू, लेकिन माइनस वन उसके ऊपर पावर भी हम क्या देंगे वन प्लस टू। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, फिर भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इसका जो है वो तीसरा सवाल भी करते हैं। यहाँ पर जो है वो फार्मूला ए बी माइनस बी सी के बी सी का काम हमने किया इसी तरह से, लिखने में थोड़ी गलती हो गई क्योंकि ये ए है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है। तो हमने किया तो ऐसे ये देखिए वन को टू के साथ जरा किया माइनस वन को वन के साथ, लेकिन बताने में थोड़ी गलती होगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब जो है वो हम 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या है ये हमें एक मैट्रिक्स दी गई है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, जब मैट्रिक्स क्या हो मैट्रिक्स सिंगुलर हो। अब सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जब हमें ये पता हो कि व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स तो हम जो है इसको हल भी कर लेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले तो उसका जवाब क्या हो जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले और डिटरमिनेंट जीरो हो तो उसको हम क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि हम इसकी मैट्रिक्स को हम बराबर किसके साथ करेंगे जीरो, बराबर किसके साथ करेंगे जीरो, फाइव माइनस एक्स एक्स प्लस वन टू और फोर इसको हमने किसके साथ बराबर कर दिया जीरो, क्यों किया क्योंकि इसने कहा है कि ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ वही फार्मूला लगेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो वहां पर क्या होगा ये फार्मूला ए डी माइनस बी सी, पिछले में हमने वो किया तो इस तरह था लेकिन लिखा था ए सी माइनस बी डी, तो ये है ए डी माइनस बी सी, किया हमने बिल्कुल ऐसे ही था। तो इसका मतलब ये है कि ए को किसके साथ करेंगे डी के साथ जरब, लिखे भाई फाइव माइनस एक्स जरब किसके साथ चार के साथ, बीच में माइनस, बीच में कौन सी माइनस, डी की रकम क्या है एक्स प्लस वन और उसको किससे जरब करेंगे टू के साथ, और यहाँ पर क्या जीरो, यहाँ पर क्या जीरो। हमने क्या किया कि a को जरब किया d के साथ, b को जरब किया c के साथ, बीच में क्या माइनस। अब देखें 4 को अगर 5 के साथ जरब करेंगे 4 जरब 5 4 जरब 5 और 4 को x के साथ तो 4x, यहां पर 2 को x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 प्लस और माइनस तो माइनस के 2 और यहां पर 0, यहां पर 0। यानी हमने ये जो 4 है 5 के साथ भी जरब किए और x के साथ भी जरब किए, ये जो दो है x के साथ भी जरब किए और माइनस की रकम है तो माइनस, दो को वन के साथ किया तो दो और प्लस इनटू माइनस माइनस, ठीक है। अब आ जाओ माइनस के 4x और माइनस के 2x तो हो जाएंगे माइनस के 6x, 4 को 5 के साथ जरब करेंगे तो 20 और दो वैसे के वैसे और थे, ठीक है। अब देखें 20 में से दो गए तो कितने होंगे 18, 18 किसके बचे प्लस के माइनस के 6x, माइनस के 6x। अब ये जो 18 है अगर उस तरफ चले जाएं, यानी ये जो 18 है यहाँ को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये जो 18 है अगर यहाँ चले जाएं तो माइनस सिक्स एक्स, 18 है प्लस के, 18 किसके है अगर यहाँ चले जाएं तो माइनस के 18 किसके हो जाएंगे माइनस के 18। अब माइनस से यहाँ पर जरब कर रहे हैं यहाँ आ जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड,
तो माइनस के 18 डिवाइडेड बाय माइनस के 6, तो माइनस माइनस में खत्म, 6 का पावर 18 पर कितनी दफा होगा, 3 दफा। तो इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ये जो रकम है उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक दफा फिर मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है, क्योंकि नीचे भी हमने ये करना है, लेकिन नीचे जो है वो है ऑर्डर 3। वो क्या है, ऑर्डर 3। जिस तरह हमने पहला सवाल किया था जिसमें विद्यमान पार्ट थे वही सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जिसमें a डिटरमिनेंट क्या हो, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी मैट्रिक्स किसके बराबर हमने लिख ली, 0 के। ठीक, अब हमने क्या किया कि -5x को 4 के साथ ज़रब किया, -5 वाली वाली x + 1 को 2 के साथ ज़रब किया, 4 को अगर हम 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 20, 4 को x के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस के 4x। क्लियर, यहाँ आ जाए, 2 को x के साथ ज़रब करेंगे तो -2x, 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे और माइनस तो माइनस के 2। यहाँ 20 हो गए, 20 में से 2 गए तो कितने, 18 प्लस के, और 4x और -2x तो माइनस के 6x। अब इसी रकम को हम यहाँ ले आए कि अगर 18 जो माइनस के है और प्लस के है अगर वहां चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और ये है माइनस के 6। माइनस 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो माइनस और माइनस में खत्म, 6 का पावर 18 पर 3 दफा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो दूसरा सवाल हो गया। अब आ जाए तीसरा सवाल, ये जो हमने कल किया था लीबनीज फार्मूला के तरह से और लैप्लेसियन एक्सप्रेशन की तरह, कि अगर 3 डिटरमिनेंट्स हो, क्या हो, यदि 3/3 हो, क्या हो, 3/3, यानी रो भी 3 हो और कॉलम भी 3 हो, तब हम उसको हल करेंगे किस तरह, एक्सपेंड बाय रो 1 या एक्सपेंड बाय कॉलम 1, एक्सपेंड बाय रो 1 या एक्सपेंड बाय कॉलम 1। सपोज करें अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ दो चीजें हैं, एक ये है कि सिंगुलर मैट्रिक्स पहले हम कर चुके हैं जिसका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो, 0, डिटरमिनेंट किसके बराबर हो, 0। और नॉन सिंगुलर किसको कहेंगे, नॉन सिंगुलर हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, और नॉन सिंगुलर हम उसको कहेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। जरा देखें अगेन, हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय रो 1, एक्सपेंड किससे करते हैं, बाय रो 1, एक्सपेंड हम किससे करते हैं भाई, बाय रो 1, एक्सपेंड हम किससे करते हैं, बाय रो 1 a को। तो a को अगर मैं रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड करूं तो देखें ये जो रो है, क्या भाई, ये जो रो है ये और ये, तो हम क्या करेंगे कि पहली रो खत्म, ठीक है, यानी पहला हम क्या उठाएंगे, 0, पहला हम क्या उठाएंगे, 0। ठीक है ना भाई, 0 हम उठाएंगे, ठीक है, और पहली रो खत्म और पहला कॉलम खत्म, तो बाकी क्या बचा, माइनस का 2, 2, 1 और -1। तो अब इसका जो भी जवाब आया उसको अगर हम 0 से ज़रब करेंगे तो वही 0 खत्म। ठीक है, यहाँ आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बीच वाली वैल्यू उठाएंगे तो वहां देंगे -2 या माइनस की साइन आएगी, वो फार्मूला है, तो माइनस के 2। अब हम जो है वो कॉलम 2 को खत्म कर देंगे, कॉलम 2 को खत्म, बाकी क्या बचा, 3, 3, 1, -1, 3, 3, 1, -1। ठीक है, आखिर में हम लास्ट कॉलम जो है वो देंगे प्लस, और क्योंकि यहाँ पर -1 है तो इसका मतलब ये है कि अब हमने ये कॉलम खत्म कर, अब हमने ये कॉलम और ये रो खत्म, तो बाकी क्या बचा, 3, 3, -2 and 2, क्या भाई, 3, 3, -2 and अगेन वही फार्मूला, a को d के साथ और माइनस b को c के साथ, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, a को d के साथ माइनस b को c के साथ, जब तक ये हम डिटरमिनेंट्स वाली एक्सरसाइज करेंगे यही चलेगा। तो देखें ये तो 0 हो गया, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 0 के साथ ज़रा करेंगे तो खत्म, यहाँ -2, यहाँ क्या हमने लिखा, -2, 3 को ज़रा करेंगे -1 के साथ, 3 को ज़रा किससे करेंगे, -1 के साथ, -1 को किससे ज़रा करेंगे, 3 के साथ। क्लियर, यहाँ जाओ +(-) तो -1, 3 को किससे साथ ज़रब करेंगे, 6 के साथ, और -2 को किससे ज़रब करेंगे, 3 के साथ। क्लियर, -2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, 3 को ज़रब करेंगे 2 के साथ, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया कि 6, तो 3 को ज़रब करेंगे 2 के साथ और -2, तो यहाँ पर हमने माइनस फार्मूले वाला भी लिखना है, माइनस फार्मूले वाला और -2 ज़रब, आप देखें -2 वैसे का वैसा,
और 1 को 3 के साथ तो -3 और 1 को n के 3 के साथ अगेन -3 यहां आ जाए -1 वैसे का वैसा 3 जरा 2 6 माइनस इनटू माइनस प्लस माइनस इनटू माइनस प्लस 3 जरा 2 6 ठीक है। तो अब देखें -3 और -3 -3 और -3 तो ये हो जाएंगे माइनस के 6 ये किसके हो जाएंगे माइनस के 6 6 और 6 12 12 को जरा करेंगे माइनस से तो माइनस के 12 याद है माइनस और माइनस क्या भाई माइनस और माइनस तो प्लस 2 जरा 6 तो 12 12 में से अगर 12 गए तो कितना हुआ 0। तो आप देखें कि यहां जो डिटरमिनेंट आया वो क्या आया 0। जब डिटरमिनेंट 0 आया तो हम कहेंगे कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है सिंगुलर। तो ये हमारे पास क्या आ गई सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहां लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई समझ आया कि नहीं आया ये समझ आया सबको अगर नहीं आया तो आप पूछ ले ठीक है। तो इसको हमने वही किया है जिस तरह हमने 11 सवाल किए थे कि एक्सपेंड बाय रो 1 पहली रो हमने उठाई है तो पहली रो और पहला कॉलम खत्म दूसरी रो और पहली रो और दूसरा कॉलम खत्म फिर तीसरी रो और तीसरा कॉलम और पहली रो समझ आ गया सबको ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से मिटाकर ये जो सवाल है भी वहां ऊपर करता हूं लेकिन तब तक आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लें। तो चौथे सवाल का जब हमने ए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स को हमने हल कर दिया तो उसका जवाब आया 0। जब 0 आया तो हमने उसको लिखा कि उसका जवाब जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स में आ गया। लेकिन अब हमने b करना है तो b को हम ऊपर लिखते हैं यहां नीचे से हम मिटाकर ऊपर इसको करते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए अगर इसका भी जवाब 0 आ गया अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम लिखेंगे कि ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे कि इसका जवाब जो है वो क्या है भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया किसी भी रकम का अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे सिंगुलर क्या कहेंगे सिंगुलर ठीक है जी। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो हम उसको क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो अब देखते हैं इसको हम किस तरह हल करते हैं अगेन इसको भी हम करेंगे एक्सपेंड बाय रो 1 एक्सपेंड बाय रो 1 ठीक है जी एक्सपेंड बाय रो 1 ठीक है जी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या r1 के तरह या हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सपेंड डिटरमिनेंट बाय रो 1 जिस तरह भी आप लिखना चाहें। तो इसका मतलब यह है कि हम 0 को अगेन उठाएंगे यानी पहली रो खत्म और पहला कॉलम खत्म लेकिन हम लिखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां पर -2 माइनस और 2 और 1 1 अब पहले ही मैं बता चुका हूं कि इसका जवाब चाहे कुछ भी हो अगर हम उसको 0 के साथ जरब देंगे तो जवाब क्या हो जाएगा 0 जवाब क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये हमारी बचत होगी पहले को हमने हल करने की हमें जरूरत नहीं। अब आते हैं दूसरा यहां जब दूसरी वैल्यू उठाएंगे यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो यहां हम क्या करेंगे कि यहां पर साइन चेंज करेंगे यानी माइनस के 2 और यहां क्या बचे 3 और 1 3 और 1 ठीक है। अब फर्स्ट रो और हमारे पास कॉलम हम कौन सा थर्ड कॉलम हमारे पास हम कौन सा थर्ड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 3 -2 एंड 2 तो हम उठाएंगे -1 यानी बीच में प्लस और -1 रकम के अंदर है तो 3 और -2 और 2 तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई तो यहां पर वही फार्मूला हम लगाएंगे ये आपको याद होना चाहिए AD - BC इसका मतलब ये है कि -2 वैसे का वैसा 3 जरा 1 और -1 जरा 3 -1 जरा 3 अब ये देखेंगे ये तो 0 आ रहा है क्यों कि ये 3 है माइनस के और ये 3 है प्लस के यहां अगर मैं लिखूं तो 3 -3 तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 0 इसका जवाब क्या आ जाएगा 0 0 जिससे भी जरब होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0 यहां तो 0 आ गया। अगर इसका भी 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स भी सिंगुलर है अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। तो देखें प्लस इनटू माइनस तो -1 3 जरब 2 तो क्या हो जाएगा 6 माइनस फार्मूले वाला -2 जरब 3 -2 जरब 3 तो इसका मतलब है कि इसका जवाब जो है वो माइनस में वो 0 में नहीं आएगा। आप देखें -1 3 को जरब करें 2 के साथ तो 6 माइनस इनटू माइनस प्लस 2 जरब 3 तो 6 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 12 को 1 के साथ जरब करेंगे तो माइनस के 12 इसका मतलब है 0 में अगर माइनस के 12 ऐड करें तो क्या आया -12। अब आप देखें कि -12 जो है वो 0 के बराबर नहीं है
माइनस 12 जीरो के बराबर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया और क्वेश्चन नंबर 4 किया। आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें और जब भी आप वीडियो देखें तो सबसे पहले आपके कलम और जो है नोटबुक आपके सामने हो, उसके अलावा बुक भी खुला हुआ हो, आखिर में आंसर भी देखें, तरीका भी आप देखते रहें और लिखते भी जाएं, तो होपफुली आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।